हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन. लास्ट टाइम वी वर डूइंग एक्सरसाइज 9.3 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक. वी हैव डन टिल 13 क्वेश्चन. नाउ स्टार्ट फ्रॉम द 14 क्वेश्चंस. द सम ऑफ द फर्स्ट पीक्यूआर टर्म्स ऑफ एन एपीआर एबीसी रेस्पेक्टिवली. प्रूव दैट ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू आर माइनस पी, सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो. ये हमें प्रूव करना है. और इसके अंदर जो पी क्यू आर है, सम है, यानी कि एस पी किसके इक्वल है ए के, एस क्यू किसके इक्वल है बी के, एस आर किसके इक्वल है सी के. तो यहाँ से हम ए, कैपिटल ए इसकी फर्स्ट टर्म मान लेते हैं एंड कैपिटल डी क्या मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल डी बी दी कॉमन डिफरेंस. ये क्या मान लिया हमने, कॉमन डिफरेंस. नाउ गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स आर ए बी सी. तो मीन्स एस पी इक्वल टू ए है, एस क्यू किसके इक्वल है बी के, एंड एस आर किसके इक्वल है सी के. सम ऑफ पी टर्म्स, सम ऑफ क्यू टर्म्स, सम ऑफ आर टर्म्स आर ए बी सी. तो इसको हम सम का फॉर्मूला लगा के कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन टू टू ए, ए की वैल्यू कैपिटल है, टू ए प्लस पी माइनस वन, क्योंकि n की जगह पे वैल्यू क्या है p, d इज द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a. यहां से क्या हो गया एस क्यू में, क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में d इक्वल टू बी. नाउ एस आर को क्या लिख सकते हैं, r अपॉन टू, 2a प्लस आर माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू सी. तो यहाँ से तो हमें क्या चाहिए, p बाई टू को मैं उधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2a प्लस में p माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू, ये उधर जाके 2a अपॉन में p हो गया. इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से 2a प्लस में q माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू टू बी बाई क्यू, इट इज इक्वेशन सेकेंड. नाउ 2a प्लस आर माइनस वन इंटू में d इक्वल टू टू सी बाई आर, इट इज इक्वेशन थर्ड. अब हमें प्रूव क्या करना है, a बाई पी क्यू माइनस आर चाहिए. देखो यहाँ पे a बाई पी है, यहाँ पे b बाई क्यू है, तो यहाँ पे b बाई क्यू है, c बाई आर है तो c बाई आर. लेकिन इसके साथ में हमें कौन सी टर्म चाहिए, q माइनस आर, r माइनस पी एंड p माइनस क्यू. देन हमें इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा. किससे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस टर्म को q माइनस आर से, इसको करेंगे b बाई पी को r माइनस पी से, एंड इसको करेंगे हम p माइनस क्यू से. तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, इक्वेशन फर्स्ट बाई q माइनस आर, सेकेंड बाई आर माइनस पी, एंड थर्ड बाई किससे करेंगे हम इसको पी माइनस क्यू से, एंड एडिंग फिर सभी को हम ऐड कर देंगे. क्या कर दिया हमने, इसके बाद ऐड कर दिया. तो यहां से हम इसकी ये राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, पहले टू ए अपॉन में पी किससे मल्टीप्लाई किया है, क्यू माइनस आर से प्लस में. फिर इसकी राइट हैंड साइड को राइट में ऐड करेंगे, देन लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में ऐड करेंगे. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2b अपॉन q इनटू में किससे मल्टीप्लाई करना है, ये सेकंड वाली r माइनस पी से, प्लस में 2c अपॉन r p माइनस q. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, q माइनस r से. तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको q माइनस r से, इसको कर रहे हैं r माइनस पी से, और इसको कर रहे हैं हम p माइनस क्यू से. तो यहाँ से जो 2a वाली टर्म है, तो 2a को हम बाहर रख रहे हैं, देन अंदर क्या हो जाएगा, इसकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2a प्लस पी माइनस वन इंटू में d इंटू में q माइनस r. मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ तक तो क्लियर है, ये हमने इसके अंदर कॉमन डिफरेंस माना है. देन इस स्टेप को मैं ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में क्या बनेगा, इसके अंदर हम इसको इससे कर रहे हैं 2a प्लस में p माइनस वन इंटू में d, इसको मल्टीप्लाई किया है हमने q माइनस r से, प्लस में यहाँ से ये स्टेप आ गया था 2a प्लस q माइनस वन इंटू में d, इसको मल्टीप्लाई किया है r माइनस p से, प्लस में जो थर्ड है 2a प्लस r माइनस वन इंटू में d, और इसको मल्टीप्लाई किया है हमने p माइनस
क्यू से, ठीक है। अब ये स्टेप ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसकी राइट हैंड साइड लेके चल रही हूँ मैं, लेफ्ट में ये चीज़ तो हमें प्रूव करनी है ना, बस इसमें टू एक्स्ट्रा है, टू हम उधर लेके चले जाएंगे बाद में। ए बाई पी क्यू माइनस आर, यही है बी बाई क्यू आर माइनस पी सी बाई आर पी माइनस क्यू, देन इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। तो देखो 2a की मल्टीप्लाई q माइनस आर के भी साथ है, 2a की मल्टीप्लाई r माइनस पी के साथ भी है, 2a की मल्टीप्लाई p माइनस क्यू के साथ भी है। देन 2a क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ रहा है तो इसकी राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2a इन टू में, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है, कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे रह गया हमारा q माइनस आर, प्लस में यहाँ पे क्या रह गया r माइनस पी, यहाँ से रह गया हमारा p माइनस क्यू। अब प्लस में p माइनस वन डी इंटू में q माइनस आर, प्लस में क्या है q माइनस वन डी इंटू में r माइनस पी, प्लस में r माइनस वन डी इंटू में p माइनस क्यू। देन मैंने क्या कर लिया, यहाँ से d कॉमन आ रहा है, d इज द कॉमन डिफरेंस, वो कॉमन आ रहा है, अंदर टर्म क्या रहेगी हमारी d इंटू में, p माइनस वन की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, q माइनस आर के साथ, प्लस में क्या रह गया यहाँ से q माइनस वन की किसके साथ करनी है r माइनस पी के साथ, प्लस में r माइनस वन की किसके साथ करनी है p माइनस क्यू के साथ। क्लियर है ना यहाँ तक, हमने क्या किया स्टूडेंट, सेम एज इट इज, जैसे a फर्स्ट टर्म मानी एंड d कॉमन डिफरेंस, तो सिंपली इसने ये कह रखा था कि जो sp है, सम ऑफ p टर्म्स इज a है, सम ऑफ q टर्म इज b है, सम ऑफ r टर्म इज c है। फॉर्मूला लगाए यहाँ से 2a प्लस बी माइनस वन डी किसके इक्वल आ गया 2a बाई पी के, 2a प्लस क्यू माइनस वन डी किसके इक्वल आ गया 2b बाई क्यू के, 2a प्लस r माइनस वन डी किसके इक्वल आ गया 2c बाई r, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन आ गई। लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसमें a बाई पी की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रखी है, q माइनस आर के साथ, तो यहाँ पे a बाई पी है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को q माइनस आर से, इसमें b बाई क्यू के साथ r माइनस पी है तो b बाई क्यू को इस पूरी इक्वेशन को हम r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, c बाई आर के साथ p माइनस क्यू है, देन थर्ड इक्वेशन को हम p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड है वो राइट में ऐड होगी, देन लेफ्ट हैंड साइड किस में ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैंने राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, फिर इसमें लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये है 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया q माइनस आर से, 2a प्लस क्यू माइनस वन डी इंटू में मल्टीप्लाई कर दिया r माइनस पी से, यहाँ से 2a प्लस आर माइनस वन डी इसकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने p माइनस क्यू से, तो यहाँ से 2a इंटू में ये है, 2a इंटू में ये, 2a इंटू में ये, 2a कॉमन ले लिया अंदर ये लिख दिया। अब यहाँ से पी माइनस वन डी इंटू क्यू माइनस आर है, यहाँ पे क्यू माइनस वन डी इंटू आर माइनस पी, r माइनस वन डी इंटू पी माइनस क्यू, तो d हमारा कॉमन आ रहा है, d कॉमन ले लिया अंदर मल्टीप्लाई इनकी कर दी। अब इनको हम अंदर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके देख लेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में यही वैल्यू है ना ये, तो इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कितना आ गया ये 2a, ये कैंसिल हो गया r से r कैंसिल हो गया, p से p, q से q, तो ये हमारी जीरो आ गई ये टर्म, प्लस में d इंटू में अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले p की दोनों के साथ, पी क्यू माइनस में पी आर माइनस वन की दोनों के साथ, प्लस में क्यू आर माइनस में क्यू पी माइनस आर प्लस में पी आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस में क्यू, तो यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी आर से पी आर कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू हमारा कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, एंड क्यू आर से ये क्यू आर, और जो p है उससे ये हमारा p कैंसिल हो गया, देन d इंटू में 2a इंटू में 0 प्लस में d इंटू में क्या रह गया हमारा 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना स्टूडेंट, सिंपली ये सारी टर्म हमारी कैंसिल होगी, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई किया तब भी ये सारी टर्म्स है हमारी कैंसिल हो गई। इसके बाद देखते हैं हम ये लास्ट स्टेप, ये है हमारा, तो ये किसके इक्वल आ गया, इसको लिखते हैं यहाँ पे, ये है हमारा लास्ट स्टेप 2a बाई पी, लेफ्ट हैंड साइड में तो यही है, हमने तो राइट हैंड साइड को सोल्व किया है यहाँ से, तो ये है 2a बाई पी क्यू माइनस में r प्लस में 2b बाई क्यू r माइनस में p प्लस में 2c बाई r p माइनस में q। राइट हैंड साइड में है इसमें 2a इंटू में 0 प्लस में d इंटू में 0, तो ये राइट हैंड साइड हमारी क्या बन गई 0। तो यहाँ से हमें प्रूव क्या करना था, a बाई पी,
ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी, सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमारा टू एक्स्ट्रा है. देन टू कॉमन ले लिया मैंने, टू कॉमन लिया ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस में बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू. ये जीरो बन गई, ये टू भी उधर जाके क्या हो गया, जीरो. ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो. यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव. बहुत ईजी है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा स्टेप ध्यान रखना है कि इसको किस तरह से करना है. पहले हमने इसके अंदर क्या किया है, ए फर्स्ट टर्म मान ली एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस. देन सम ऑफ पी टर्म इज ए था, एस पी का फॉर्मूला लगाया, ए के इक्वल रख दिया. वहां से हम ए बाई जो पी बाई जो पी बाई टू टर्म थी उसको उधर लेके गए, क्योंकि इसमें हमें क्या चाहिए था, ए बाई पी बी बाई क्यू. तो इस तरह से हमें देखना है कि हमें प्रूव कर जो करना है उसके अंदर क्या चाहिए. तो वहां से टर्म रीअरेंज की, फिर हमें इसके साथ मल्टीप्लाई में क्यू आर चाहिए. देन फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया क्यू माइनस आर से, सेकंड को आर माइनस पी से एंड थर्ड को पी माइनस क्यू से. देन हमने क्या किया, उनको ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद क्या आ गया, यहाँ से हमारा 2a कॉमन आ गया, d कॉमन आ गया. अंदर जो भी टर्म है वो टर्म हमारी कैंसिल होगी. देन जो राइट हैंड साइड है वो उसकी जीरो बन गई. तो ये इक्वल टू जीरो के इक्वल आ गया, 2 कॉमन लिया और ये हमारा प्रूव हो गया. यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर. तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस प्रूव. नाउ नेक्स्ट करते हैं 15. इफ फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन ए पी बी ए बी सी रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट सम इज बी प्लस सी माइनस टू ए, ए प्लस सी अपॉन टू इंटू बी माइनस ए. ये हमें प्रूव करना है. इसकी फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म हमें गिवन है. तो यहाँ से फर्स्ट टर्म को हम क्या मानते हैं, ए, ठीक है. लेट ए वन को हमने क्या मान लिया, ए. ए टू सेकेंड टर्म को हमने क्या मान लिया, ये क्या है, बी. एंड जो उसकी लास्ट टर्म है ए एन, उसको क्या मान लिया हमने, सी. ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये लास्ट टर्म है. देन यूजी जनरल फॉर्मूला, ए एन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी. ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी. ये तो हमें सम प्रूव करना है. तो सम के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है. देन हम ए एन वाले फॉर्मूले से पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए फर्स्ट टर्म है, ये हमारी ए एन कितना है, सी प्लस एन माइनस वन इंटू में डी. यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारा डी की वैल्यू क्या आएगी, वी नो दैट डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन. डी कैसे फाइंड आउट होता है, जैसे सीक्वेंस गिवन है ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, देन डी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ए टू माइनस ए वन नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करके. ए टू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी. ए वन की क्या है, ए. सो वैल्यू ऑफ डी इज बी माइनस ए. तो यहाँ पे वैल्यू हम डी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए. तो इसको ए को मैं इधर लेके आ रही हूँ, सी माइनस ए इक्वल टू एन माइनस वन बी माइनस ए. नाउ हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू. एन की वैल्यू आने के बाद सम वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा. तो हमें एन की वैल्यू चाहिए यहाँ पे. देन एन माइनस वन वाले टर्म को इधर रखा, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए. एन की वैल्यू क्या आ गई, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस में वन. बी माइनस ए एलसीएम आ गया हमारा, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए. ये एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, सी प्लस में बी माइनस में टू ए अपॉन बी माइनस ए. तो ये हमारी एन की वैल्यू आ गई. नाउ सम फाइंड आउट करना है, एन अपॉन टू. अगर लास्ट टर्म गिवन है देन फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, एन बाई टू ए प्लस में एल. ए प्लस में एल, एन की वैल्यू तो ये है एन अपॉन टू. ए हमारी फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमारी ये क्या है, सी. देन एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम. देन सम आ गया हमारा बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन में बी माइनस ए, और अपॉन में क्या है इसके अंदर, टू, और इंटू में ए प्लस में सी. यही तो हमें प्रूव करना था ना, बी प्लस सी माइनस टू ए, ए प्लस सी अपॉन टू बी माइनस ए. यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव. बहुत ईजी है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है. फर्स्ट टर्म गिवन थी, सेकेंड टर्म गिवन थी एंड लास्ट टर्म गिवन थी. ए वन इक्वल टू ए मान लिया, ए टू को बी, एन हमारी लास्ट टर्म है दैट इज सी.
नाउ कॉमन डिफरेंस डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए टू माइनस ए वन मीन्स बी माइनस ए आ गया। नाउ ए एन गिवन है तो ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी हमने d की जगह पे b माइनस ए, यहाँ से n की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, क्या आ गई b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन b माइनस ए। नाउ सम का फॉर्मूला, क्योंकि हमें तो सम प्रूव करना है, प्रूव दैट दी सम इज, देन अगर सम हमें लास्ट टर्म गिवन है देन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n बाई टू ए प्लस में l, a प्लस में लास्ट टर्म दैट इज ए एन, ए एन की वैल्यू क्या है सी, एन की वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी, देन s इक्वल टू बी प्लस सी माइनस टू ए इंटू ए प्लस सी अपॉन टू इंटू बी माइनस ए, hence proof, very very important questions है student, ध्यान से देखना है इनको। Now next करते हैं 16, if the sum of p terms of an AP is q and sum of q terms is p, so that the sum of p minus q terms is p minus q into 1 plus 2q by p, तो यहाँ से हम लेके चलते हैं कि a इसकी first term है, let a is the first term and d is the common difference, then sum of क्या given है, sum of p term is q, यानी कि s of p किसके equal है q के, and sum of q term is p, s of q किसके equal है p के, then using sum formula, तो यहाँ से n की जगह पे क्या है p है, तो means ये क्या हो गया p upon 2 2a प्लस एन माइनस वन मीन्स पी माइनस वन इंटू मी डी इक्वल टू कितना है क्यू, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई टू ए प्लस में पी माइनस वन इंटू मी डी इक्वल टू टू क्यू बाई पी, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ एस क्यू इक्वल टू पी है मीन्स क्यू अपॉन में टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू मी डी किसके इक्वल हो गया ये पी के, वैल्यू ऑफ 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू टू पी बाई क्यू, इट इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यहां से इक्वेशन फर्स्ट माइनस में इक्वेशन सेकेंड, देन क्या आ जाएगा फर्स्ट माइनस में सेकेंड, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से क्या आ गया हमारा p, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, p माइनस वन डी माइनस में q माइनस में वन डी इक्वल टू टू क्यू बाई पी माइनस में टू पी बाई क्यू, तो यहाँ से d कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया p माइनस वन, क्योंकि देखो 2a प्लस में इसको हम इससे माइनस करेंगे 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ओनली ये टर्म माइनस में ये टर्म बचेगी और 2q बाई पी माइनस में 2p बाई क्यू, तो यहाँ से d कॉमन आ गया p माइनस वन माइनस क्यू प्लस में वन, यहाँ से पी क्यू एलसीएम, ठीक है देन टू क्यू स्केयर माइनस में टू पी स्केयर, टू कॉमन आ गया क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर अपॉन में पी क्यू, यहाँ से वन कैंसिल हो गया डी इंटू में पी माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया टू इंटू क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर अपॉन में पी क्यू। नाउ वैल्यू ऑफ डी इज, डी की वैल्यू निकालेंगे देन पी माइनस क्यू से इसको डिवाइड करेंगे, देन डी किसके इक्वल आ गया टू इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, खोलेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी अपोन में क्या हो गया इसके अंदर पी क्यू और ये अपोन में पी माइनस क्यू, ये क्यू माइनस पी है ये पी माइनस क्यू है, देन माइनस कॉमन ले लेंगे देन ऊपर से क्या आ गया माइनस टू पी माइनस क्यू पी प्लस में क्यू, नीचे क्या है पी क्यू इंटू में पी माइनस क्यू, ये कैंसिल हो गया इससे, देन d की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस टू पी प्लस क्यू अपोन में पी क्यू, ये हमारी किसकी वैल्यू आई है d की वैल्यू आई है, तो ये दैट इज इक्वेशन थर्ड, इसको हम थर्ड इक्वेशन कह देंगे। यहाँ तक क्लियर है ना स्टूडेंट, एक बार फिर से देखो हमने क्या किया है एस पी क्यू के इक्वल था, एस क्यू पी के इक्वल था, देन सम का फॉर्मूला लगाया, किसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ से 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू टू क्यू बाई पी, 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू टू पी बाई क्यू, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। फिर हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें पता था 2a में से 2a जाएगा तो कैंसिल हो गया, देन यहाँ से d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई सोल्व करने के बाद माइनस टू पी प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू। अब हमें क्या करना है, हमें तो सम निकालना है कौन से टर्म का p माइनस क्यू, यानी कि n की जगह पे p माइनस क्यू रखना है, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि d की वैल्यू हमारी ये आ गई, देन s ऑफ p माइनस क्यू वी हैव टू फाइंड आउट, s ऑफ p माइनस क्यू n की जगह पे p माइनस क्यू है
पी माइनस क्यू बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू में डी, ये फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से पी माइनस क्यू बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी अलग से कर देते हैं, एन माइनस क्यू डी अलग से कर देते हैं. अब देखो इसकी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू क्या है, टू क्यू बाई पी. तो इसलिए हमने ये अलग अलग किया है कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से इसके अंदर पुट कर सकें, एंड डी की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर देंगे. देन इसका आंसर क्या आ रहा है वो हम सोल्व कर रहे हैं. यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसको सोल्व. ये आ गया हमारा, इसकी जगह पे डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ये पुट कर सकते हैं. देन एस ऑफ पी माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया, पी माइनस क्यू बाई टू, इसकी वैल्यू आ गई टू क्यू बाई पी माइनस में क्यू, डी की वैल्यू ये है माइनस, माइनस क्या होगा, ये भी माइनस था और यहाँ पे डी की वैल्यू भी माइनस, पी प्लस में क्यू अपोन में क्या है पी क्यू है, क्यू से क्यू क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया. देन अलग अलग हम इसको डिवाइड कर देंगे, एस ओ पी माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया, पी माइनस क्यू बाई टू, टू क्यू बाई पी प्लस में पी बाई पी प्लस में क्यू बाई पी, ये तो कैंसिल हो गया. यहाँ से हमें यही तो प्रूव करना था ना, देखो p माइनस क्यू और ये 2 इसके साथ है, तो यहाँ से ये कितना आ गया 2q बाई पी और ये कितना आ गया q बाई पी, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे देन कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक तो है 2q बाई पी प्लस में q बाई पी और प्लस में p बाई पी तो 1 बन गया, हमें 1 चाहिए, 1 प्लस में 2q बाई पी. यहाँ से हमारा 2 भी इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पे माइनस क्यू डी है, डी की वैल्यू में क्या है माइनस टू है, देन हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे ओनली इस वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या हो गया 2 मैंने कॉमन लेने के बाद ये 2 इसके साथ आ गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, देन यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस में 2q बाई पी, यही तो हमें प्रूव करना था. तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, एक स्टेप और है ये हमारा, देन इसको लिख सकते हैं एस ओ पी माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया, पी माइनस क्यू इंटू में वन प्लस में टू क्यू बाई पी, यही तो हमें प्रूव करना था ना, एस ओ पी माइनस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू में वन प्लस में टू क्यू बाई पी, यही हमें प्रूव करना था. तो लास्ट में हमने क्या किया स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई थी, सेकंड दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद डी की वैल्यू ये आ गई, फिर हमने क्या किया, हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ पी माइनस क्यू टर्म इज दिस, पी माइनस क्यू इंटू वन प्लस टू क्यू बाई पी, देन एस ऑफ पी माइनस क्यू का फॉर्मूला लगाया, एन की वैल्यू यहाँ पे पी माइनस क्यू है, पी माइनस क्यू बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी. अब यहाँ से देखो पी माइनस वन इंटू डी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए हमने इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, p माइनस वन इंटू में डी और माइनस क्यू डी के अलग से. अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे मैंने पुट कर दी 2q बाई पी, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और थ्री इक्वेशन से, थर्ड से हमने d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी एंड 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2q बाई पी, देन 2 कॉमन आ गए यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन ये एस ओ पी माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया, पी माइनस क्यू इंटू वन प्लस टू क्यू बाई पी. नाउ नेक्स्ट करते हैं 17, द पी एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज ए एंड क्यू एथ टर्म इज बी, प्रूव दैट सम ऑफ इट्स पी प्लस क्यू टर्म इज पी प्लस क्यू बाई टू इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू. तो यहाँ से हमें क्या गिवन है, ए पी गिवन है, यानी कि ए पी एथ टर्म गिवन है किसके इक्वल ए के, ए क्यू किसके इक्वल है बी के. नाउ लेट ए बी इट्स फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस, ये हमने मान लिया, देन हमें गिवन है कि जो ए पी है वो किसके इक्वल है ए के. तो इसका जनरल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देन ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी किसके इक्वल आ गया ए के, इट इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ ए क्यू किसके इक्वल है बी के, ए प्लस में क्यू माइनस वन इंटू में डी किसके इक्वल आ गया बी के, इट इज इक्वेशन सेकेंड. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट माइनस में सेकेंड कर रहे हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट माइनस में सेकेंड, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, पी माइनस वन डी माइनस में ए माइनस में क्यू माइनस वन इंटू में डी, देन ए माइनस बी,
यहाँ से कैंसिल हो गया, डी कॉमन आ रहा है, यहाँ से अंदर क्या रह गया, पी माइनस वन, माइनस को अंदर लेके गए, माइनस क्यू प्लस में वन इक्वल टू ए माइनस बी, देन डी इंटू में पी माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया, ए माइनस बी के, डी की वैल्यू आ गई हमारी ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू, ये डी हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ से, इट इज इक्वेशन थर्ड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को हमने ऐड किया, ए प्लस में ए क्या हो गया 2a, प्लस में पी डी कॉमन लिया हमने यहाँ पे, अंदर क्या रह गया p माइनस वन, प्लस में q माइनस वन, और यहाँ से a प्लस में b, 2a प्लस में d, p प्लस में q माइनस में 2 इक्वल टू a प्लस बी। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ इट्स p प्लस q टर्म, यानी कि s p प्लस q हमें निकालना है, s p प्लस q हमें फाइंड आउट करना है, सम ऑफ p प्लस q टर्म, तो क्या होता है n अपॉन 2, यानी कि p प्लस q बाय 2 टू ए, प्लस n माइनस वन p प्लस q माइनस वन इंटू में d, ये हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी की, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस टू इंटू में डी की वैल्यू, तो इसको मैं माइनस वन लिख सकती हूँ ना, माइनस टू को लिख दिया मैंने यहाँ पे माइनस वन और माइनस वन, देन अलग अलग मल्टीप्लाई की, देन डी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस डी, माइनस डी को मैं उधर लेके गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस में p प्लस क्यू माइनस वन इंटू में d इक्वल टू ए प्लस बी, लिख सकते हैं ना माइनस टू को, क्योंकि हमें p प्लस क्यू माइनस वन की वैल्यू चाहिए, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू में d और माइनस d अलग से a प्लस बी। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू में d, d को मैं उधर लेके गई a प्लस में b, यानी कि इसकी वैल्यू उठा के हम डायरेक्ट सम वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसलिए हमने ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है, किसकी फाइंड आउट की है, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू ए प्लस बी, और ये एक डी है ये इसके साथ उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे प्लस लिख देती हूँ, प्लस में डी, क्योंकि ये डी उधर जाके क्या होगा, प्लस का होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एस ओ पी प्लस क्यू किसके इक्वल आ गया, पी प्लस क्यू बाई टू, इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फोर से पुट कर देते हैं, ये क्या है ए प्लस बी प्लस में डी, इसी के इक्वल है ना, ए प्लस में बी प्लस में डी। नाउ वैल्यू ऑफ डी, यहाँ पे हमें डी की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देन एस ओ पी प्लस क्यू किसके इक्वल आ गया, पी प्लस क्यू बाई टू, ए प्लस बी डी की जगह पे ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू, यही तो हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, क्या गिवन था इसके अंदर, हमें ए पी एथ टर्म गिवन थी, वो कितनी थी ए, एंड ए क्यू एथ टर्म कितनी गिवन थी हमें, बी। नाउ ए बी द फर्स्ट टर्म मान ली हमने, डी बी द कॉमन डिफरेंस, ए पी ए के इक्वल था, जनरल फॉर्मूला लगाया, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी। नाउ फर्स्ट माइनस में सेकेंड इक्वेशन की, देन डी की वैल्यू आ गई, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू। नाउ अब हमने क्या किया इसके अंदर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, हमें तो क्या निकालना है यहाँ पे, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, हमने फॉर्मूला लिख के देखा यहाँ पे एस ओ पी प्लस क्यू किसके इक्वल होगा, एन अपॉन टू पी प्लस क्यू बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी, इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से, देन हमने दोनों को ऐड किया, a प्लस ए टू ए पी माइनस वन डी प्लस में क्यू माइनस वन डी, डी कॉमन आ गया, अंदर ये टर्म रहेगी, अंदर हमारी क्या बन रही है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस टू इंटू में डी इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन की, माइनस माइनस टू को लिख दिया माइनस वन, माइनस वन माइनस वन वाली इस टर्म को डी के साथ अलग मल्टीप्लाई, माइनस डी की अलग मल्टीप्लाई, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, देन डी को उधर लेके गई, सो वैल्यू ऑफ 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी, यहाँ पे उठा के मैंने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। नाउ वैल्यू ऑफ डी इज फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन से हमने डी की वैल्यू क्या पुट कर दी, ए माइनस बी
ए माइनस बी अपोन में पी माइनस क्यू, उठा के यहाँ पे पुट करने के बाद एस ऑफ पी प्लस क्यू किसके इक्वल आ गया, पी प्लस क्यू बाई टू इंटू में ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू, यही हमें प्रूव करना था सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो गई। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी की 9.4 एक्सरसाइज एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट। थैंक्स एवरीवन।